गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का शीर्षक है, टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडाशय में उपस्थित प्रत्येक बीजांड एक बीज में मैच्योर होता है। सामान्यतः एक बीज में केवल एक ही एम्ब्रियो होता है, परंतु कभी कभी कुछ सीड्स के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो भी पाए जाते हैं। इस स्टेज को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ये कंडीशन जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। पॉली एम्ब्रियोनी वैसे तो नेचर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स में एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर कंडीशन में पहुंचता है और बाकी एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस पे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में परिपक्व बीज में से, मैच्योर सीड में से केवल एक ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अतः यह बात भी क्लियर होनी चाहिए कि पॉली एम्ब्रियोनी के अंतर्गत वे सभी सीड्स इंक्लूड होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रो एम्ब्रियो विकसित हुए हों, भले बाद में वो धीरे धीरे डीजनरेट ही क्यों ना हो गए हों और लास्ट में केवल एक ही एम्ब्रियो क्यों ना बचा हो। यानी कि ऐसे प्लांट्स भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं जिनमें लास्ट में केवल सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो रह जाता है, और लेकिन पहले बहुत सारे प्रो एम्ब्रियो में बहुत सारे प्रो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर बहुत सारे जो हैं वो एम्ब्रियोज पाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब डीजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 में, सन 1719 ईस्वी में ऑरेंज के अंदर इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया कि ऑरेंज में बहुत सारे सीड्स होते हैं। उसके पश्चात तो फिर ये बहुत सारे प्लांट्स के अंदर पाया गया। इसके पश्चात ब्रॉन ने 1859, श्नाफ 1929, वेबर 1940, महेश्वरी 1950, जोहेंसन 1950, इन सब ने पॉली एम्ब्रियोनी का अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से अध्ययन किया है। नाउ, बहुभ्रूणता की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी किस प्रकार से हुआ, कहाँ से हुआ? एंजियोस्पर्म में जो अतिरिक्त भ्रूण या एक एम्ब्रियो से अधिक एम्ब्रियो की उपस्थिति जो है वो ये इन चार रीजंस की वजह से हो सकती है, चार कारणों की वजह से हो सकती है। नंबर वन है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि भ्रूण के विदलन से, उसके स्प्लिटिंग से या क्लीवेज से जो बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, इसे हम विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एक तो ये रीज़न है। सेकेंड रीज़न है एम्ब्रियो सैक के अंदर एग के अतिरिक्त किसी अन्य सेल से जो एम्ब्रियो बनता है। थर्ड आ जाता है कि ओव्यूल में जो उपस्थित एक से अधिक एम्ब्रियो सैक्स से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, या फिर ओव्यूल में किसी भी सेल से, किसी भी स्पोरोफिटिक सेल से भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। तो ये मुख्यतः ये चार रीजंस हैं, चार कारण हैं, ये मे बी ये हो सकते हैं ये इसकी पॉली एम्ब्रियोनी की ऑरिजिन के। हम इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। यह सीड्स में एक से अधिक एम्ब्रियो के विकसित होने की सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे सरलतम विधि है। इसमें जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो के डिवीजन से दो या दो से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। सामान्यतः जो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी है ये जिम्नोस्पर्म्स में सामान्य रूप से पाई जाती है, परंतु एंजियोस्पर्म में भी ये रेयरली ये एंजियोस्पर्म में भी पाई जाती है। सबसे पहले इसे जेफरी ने 1895 में लिलिएसी फैमिली के प्लांट एरिथ्रोनियम अमेरिकेनस में, अमेरिकेनम में इन्होंने सबसे पहले इसमें स्टडी किया।
जो कि लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, उन्होंने इसमें देखा कि उसके पश्चात इन्होंने और भी प्लांट्स के अंदर ये स्टडी किया, ये देखा कि फर्स्ट डिवीज़न जो जाइगोट का फर्स्ट डिवीज़न है वो तो सामान्य ही होता है, नॉर्मल होता है, और इसके पश्चात एक सेकेंड रुकिए, जाइगोट का डिवीज़न नॉर्मल डिवीज़न है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, एक होती है बेसल सेल और एक होती है एपिकल सेल। तो बेसल सेल में रिपीटेड डिवीज़न से एक अनियमित सा कोशिकाओं का मास बनता है जिसे हम एम्ब्रियोनिक मास कहते हैं। डिस्टल एंड की जो एम्ब्रियोनिक मास की जो डिस्टल एंड की सेल्स हैं वे जो है वो सेपरेट एम्ब्रियोज का निर्माण करती हैं। ये देखिए ये एम्ब्रियोनिक मास बनता है और इनके अंदर ये इस प्रकार से ग्रोइंग प्रो एम्ब्रियोज का विकास होता है। एरिथ्रोनियम अमेरिकेनम में जाइगोट का फर्स्ट डिवीज़न तो नॉर्मल होता है जिसके फलस्वरूप एक बेसल सेल बनेगी जैसे कि मैंने आपको बताया और एक एपिकल सेल बनती है। ये टू सेल्ड एम्ब्रियो की बेसल सेल में रिपीटेड डिवीज़न से सेल्स का एक अनियमित सा मास बनता है, पिंड बनता है जिसे हम भ्रूणीय पिंड या एम्ब्रियोनिक मास कहते हैं। इसमें जो डिस्टल एंड की सेल्स हैं वो अलग अलग एम्ब्रियोज का निर्माण करती है। इसी प्रकार से पॉली एम्ब्रियोनिक क्लीवेज, पॉली एम्ब्रियोनी जो है लिम्नोकैरिस इमेजिनेटा, ट्यूलिपा जेस्मेरियम, इन सब में पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसके एग्जांपल्स में नहीं जाते। तो ये जो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी है इसमें सबसे अधिक जो है ऑर्किडेसी मेंबर्स के सदस्यों में पाई जाती है। स्वामी ने 1943 के अंदर यूलोफिया एपिडेंड्रा प्लांट जो है एक टाइप का ऑर्किड है, इसमें तीन मेथड्स बताए हैं कि क्लीवेज एम्ब्रियोनी पॉली एम्ब्रियोनी किस प्रकार से होती है। जाइगोट में बहुत सारे इरेगुलर डिवीज़न होते हैं जिसकी फलस्वरूप एम्ब्रियोनिक मास बनता है, जो इसका चलेजल एंड वाला सेल साइड है वहाँ से अनेक एम्ब्रियोज का निर्माण होता है। सेकेंड मेथड है प्रो एम्ब्रियो की सेल्स में बड लाइक बहुत सारे स्मॉल स्मॉल प्रोट्यूबरेंसेज निकलते हैं जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से फिलामेंटस एम्ब्रियो ब्रांच्ड हो जाता है और प्रत्येक ब्रांच के टॉप पे एपिकल पार्ट पे एक भ्रूण का निर्माण होता है। ये है ऑर्किड्स के अंदर जो एग्जाम्पल आता है यूलोफिया का कि उसमें किस प्रकार से क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। सेकेंड मेथड हम लेते हैं ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग सेल, यानी कि भ्रूण कोश में अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। कुछ प्लांट्स में एग के अतिरिक्त, एग क्या करेगा जो कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो का निर्माण करता है, इसके अतिरिक्त एम्ब्रियो सैक की अन्य सेल्स से भी जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज जो है वो उनका निर्माण होता है। इसमें ज़्यादातर जो कोशिकाएं जो काम करती हैं, जो सेल्स काम करती हैं वो साइनर्जिड्स होती हैं, साइनर्जिड से अतिरिक्त भ्रूण बनते हैं। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, फेसियोलस वल्गैरिस, इनमें जो एम्ब्रियो है वो अनफर्टिलाइज्ड साइनर्जिड्स से विकसित होते हैं इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं। परंतु इसी तरह से सैजिनेरिया के अंदर या फिर पोआ एल्पाइना के अंदर जो साइनर्जिड्स हैं या जो सहायक कोशिका हैं वो एग के समान बड़ी हो जाती हैं। इन प्लांट्स के एम्ब्रियो सैक में दो या दो से अधिक जो पॉलन ट्यूब्स एंटर करती हैं और ये इस प्रकार से सुपर न्यूमरी मेल गैमीट्स जो हैं वो साइनर्जिड्स से को भी फर्टिलाइज कर देते हैं और इस प्रकार से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। नंबर थ्री हम लेते हैं जो ओरिजिन है इसका, एम्ब्रियोज डेवलपिंग फ्रॉम एडिशनल एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल। तो इसके अंदर क्या है कि एम्ब्रियोज जो हैं वो डेवलप होते हैं बीजांड में उपस्थित एक से अधिक एम्ब्रियो सैक्स
में जो एम्ब्रियोज विकसित होते हैं। कुछ प्लांट्स में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं और उनमें जो एग के फर्टिलाइज्ड होने से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनते हैं। ओव्यूल में बहुत सारे जो एम्ब्रियो सैक्स हैं उनकी प्रेजेंस कुछ मेन कारणों से होती है, ये मेन कारण है। ओव्यूल में एक से अधिक मेगास्पोर मदर सेल के विभेदित होने के कारण, यानी कि डिफरेंशिएशन, एक से अधिक मेगास्पोर मदर सेल्स जो है डिफरेंशिएट हो जाती हैं, जैसे हाइड्रिला, वर्टिसिलेटा, सोलेनम, मेलोनजीना, इनके अंदर एक से अधिक मेगास्पोर मदर सेल्स जो है ये डिफरेंशिएट होती हैं। सेकंड है, मेगास्पोर मदर सेल के से जो मियोटिक डिवीज़न के पश्चात या अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो चार मेगास्पोर बनते हैं उनमें से दो या दो से अधिक मेगास्पोर्स जो है वो एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल इन रोज़ा है ना, इसमें दो या दो से अधिक मेगास्पोर जो है वो एक्टिव होते हैं, तो उस वजह से भी ये इस प्रकार से हो जाता है। और थर्ड रीज़न आता है, इसमें एग्जांपल रोज़ा मैंने आपको बता ही दिया, थर्ड एग्जांपल आता है, थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो सैक का न्यूसीलर पार्ट है, ठीक है, या उसका इंटेग्यूमेंट है, उसकी सेल्स से जो एम्ब्रियोज उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होंगे? फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन सिट्रस, मैंजीफेरा एंड ओपंशिया, इनमें न्यूसेलस से, न्यूसेलस की कोशिकाओं से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनते हैं, या फिर इंटेग्यूमेंट से भी बन सकते हैं, अध्यावरण से भी बन सकते हैं, जैसे लिम्नैंथिस में। तो ये एग्जाम्पल है इसका। आगे जो न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट्स से जो एम्ब्रियोज बनते हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, उन्हें हम एडवेंटिव एम्ब्रियोज कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम एडवेंटिव एम्ब्रियोज या अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं। ये एम्ब्रियो का जो इस प्रकार के भ्रूण का विकास सिंक्रोनस नहीं है, अतः एक ही ओव्यूल में विभिन्न स्टेजेस में हम एम्ब्रियोज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम सिट्रस पे जो स्टडीज़ हुई हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एडवेंटिव एम्ब्रियोज की जो उत्पत्ति है, यानी कि उनका जो एडवेंटिव एम्ब्रियोज जो बनते हैं किससे, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर जाइगोटिक एम्ब्रियो के विकास से इनकी जो उत्पत्ति है वो प्रभावित नहीं होती। ये डेवलपमेंट ऑफ एंडियोस्पर्म जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित करता है सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी को या एडवेंटिव एम्ब्रियोस को। एंडोस्पर्म की अनुपस्थिति जो है वो अनुपस्थिति से न्यूट्रिशन की कमी होती है और जिसके कारण एडवेंटिव एम्ब्रियोस का पूर्णतया विकास नहीं हो पाता। तो ये है एडवेंटिव एम्ब्रियोस जो है वो जो कि इंटेग्यूमेंट या न्यूसीलस से जो बनते हैं उनके बारे में। इसके पश्चात आता है इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं। पौधों में प्राकृतिक रूप से बहुभ्रूणता जो है वो स्वतः ही उत्पन्न होती है और ये अतिरिक्त भ्रूण केवल बीजांड के जो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे एम्ब्रियो सैक है, न्यूसीलस है या इंटेग्यूमेंट है, इनसे विकसित होते हैं। बहुत सालों तक साइंटिस्ट का ये मानना था कि भ्रूण के विकास के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एक विशेष प्रकार का फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जो कि केवल एम्ब्रियो सैक में ही उपलब्ध हो सकता है, परंतु पिछले 2-3 दशकों से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो ये डिपिक्ट करते हैं कि पौधे में न केवल ओव्यूल का जो बीजांड का जो ऊतक है बल्कि सभी सेल्स जो हैं वो भ्रूण बनाने के लिए सक्षम होती हैं। सेकेंडली, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक के अतिरिक्त किसी भी कल्चर मीडियम में
कराया जा सकता है। कल्चर मीडियम में जो विकसित भ्रूण होते हैं वो एडवेंटिशियस एम्ब्रियोज, सोमैटिक एम्ब्रियोज, सुपर न्यूमरी एम्ब्रियोज या एम्ब्रॉयड्स कहलाते हैं, यानी कि ऐसे एम्ब्रियोज जो कल्चर मीडियम में डेवलप होते हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं, वो कहलाते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियोज, अपस्थानिक भ्रूण, कायिक भ्रूण, अधिसंख्य भ्रूण अथवा भ्रूणाभ कहलाते हैं। एम्ब्रॉयड्स जो हैं वो जाइगोट व बीजांड ऊतक के अतिरिक्त पौधे की रूट, लीफ, फ्रूट, पॉलन ग्रेन आदि की सेल से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रॉयनी। तो अब पॉली एम्ब्रॉयनी के कॉजेज़ क्या क्या हैं, कि कौन से दो मुख्य जो है वो इनके कॉजेज होते हैं। ये दो व्यूज हैं इसके बारे में, एक है नेक्रो हार्मोन थ्योरी और दूसरी है रिसेसिव जीन थ्योरी। ये जो नेक्रो हार्मोन थ्योरी है यह हैबरलैंड के द्वारा दी गई है। इन्होंने 1921 और 22 में ये बताया कि न्यूसीलस की डीजनरेटिंग सेल्स जो है वो एक स्टिमुलस प्रोवाइड करती हैं आसपास की कोशिकाओं को डिवाइड होने के लिए, जिससे कि एडवेंटिव एम्ब्रियोज का निर्माण होता है। कौन सी? डीजनरेटिंग सेल्स ऑफ न्यूसीलस, ये सोर्स ऑफ स्टिमुलस का काम करती हैं आसपास की कोशिकाओं के लिए कि वे डिवाइड हों और एडवेंटिव एम्ब्रियोज का निर्माण करें। परंतु इस प्रकार का कोई क्लियर एविडेंस अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ जो ये बताए कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज इंड्यूस्ड बाय द सिक्रीटरी सब्सटेंसेज ऑफ डाइंग सेल्स, यानी कि जो डीजनरेटिंग सेल्स हैं न्यूसीलस की, उनसे किसी प्रकार के सिक्रेटरी सब्सटेंस का अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। दूसरी थ्योरी है रिसेसिव जीन थ्योरी। ये कैपर्ट ने 1933 के अंदर ये शो किया कि लाइनम के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी एक रिसेसिव जीन करेक्टर की तरह काम करती है, जो कि मल्टीपल जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। हाइब्रिडाइजेशन के कारण, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट स्ट्रेन्स के हाइब्रिडाइजेशन में जीन रिकम्बाइन होता है और ये जो है एक तरह से ओरिजिन है, या ये एक तरह से पॉली एम्ब्रियोनी का कारण बनता है। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी के कॉजेज हैं। नाउ रोल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इन हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग, कि हम इसको हमारी इवोल्यूशन या डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से हम काम में लेते हैं। हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में एडवेंटिव पॉली एम्ब्रॉयनी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये पेरेंटल टाइप के ही सीडलिंग्स प्रोवाइड करता है, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और कटिंग के द्वारा मिल सकते हैं। हम ये जानते हैं कि जो न्यूसीलर एम्ब्रियोज होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम डिजीजेज, सो न्यूसीलर पॉली एम्ब्रॉयनी इज द ओनली प्रैक्टिकल अप्रोच। इसलिए वायरस फ्री क्लोन्स बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, न्यूसीलर पॉली एम्ब्रॉयनी, फॉर एग्जाम्पल सिट्रस वेराइटीज इन नेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉली एम्ब्रॉयनी, कि पॉली एम्ब्रॉयनी किस प्रकार से, या बहुभ्रूणता किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा और ऐड करना चाहती हूँ कि एम्ब्रॉयड्स को की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, या कुछ जो हम कल्चर मीडियम में वेजिटेटिव एम्ब्रियोज की को किस प्रकार से उनकी दर को बढ़ा सकते हैं, उनको विकसित करने के लिए किस प्रकार से, कौन से मुख्य कारक हैं। एक है ग्रोथ हॉर्मोन्स और दूसरा होता है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये दोनों चीज़ें ही, फॉर एग्जाम्पल गाजर में कैलस के निर्माण के लिए जो ऑक्सिन की प्रचुर मात्रा, ऑक्सिन्स जो है ऑक्सिन्स AUXIN की मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। कैलस के अंदर भ्रूण केवल तभी डिफ्रेंशिएट होता है जब हम इसे ऑक्सिन रहित अथवा या बहुत कम ऑक्सिन युक्त संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉली एम्ब्रॉयनी। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक लास्ट टॉपिक रह गया है पार्थेनोजेनेसिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।